हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL में निकली ऑपरेशंस एंड बीडी की जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की। यहाँ सिलेक्शन के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, प्रिपरेशन को किस तरीके से करना होगा, कौन कौन से मटेरियल से स्टडी करना होगा और क्या टेस्ट सीरीज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन सारी बातों को डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि DFCCIL का एग्जाम जून के टाइम में होने वाला था, जैसा उन्होंने पहले मेंशन किया था, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह के कारण, कोरोना के कारण डेट को बढ़ा दिया गया है। फिर भी सिचुएशन अगर इसी टाइप की रहेगी तो हो सकता है और लेट हो, लेकिन यह है कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तुरंत एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको यहाँ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आपका जो एग्जाम का टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपको मिनिमम आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए अभी 2 से 3 मंथ है और इसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। और अगर आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है और आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आप कंफ्यूजन में हो कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या शेड्यूल होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी की सिलेबस क्या है। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ जो सिलेबस है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए सिलेबस सेम है, और जो लेवल रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्वेश्चंस का लेवल इजी रहेगा एंड एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एग्जीक्यूटिव काफी अच्छी पोस्ट है, यहाँ सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी एंड यहाँ प्रोमोशंस भी काफी अच्छे होते हैं, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में सारी डिटेल्स में बताई है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए पार्ट वन में 60 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पार्ट टू में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज पार्ट वन में जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस ये रहेगा। एंड पार्ट टू में जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, देन इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर रिलेशंस। एंड ये सेम टॉपिक, सेम सिलेबस रहेगा एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। अब यहां सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस क्या रहेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए जो ये सिलेक्शन होगा ये डायरेक्टली इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा, मतलब ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्लीटली 100% बस आपका एक ही एग्जाम होगा, इसी एग्जाम के बेसिस पे आपका जो भी स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको मेडिकल वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इसमें आपका 2 स्टेज रहेगा सिलेक्शन का। सबसे पहला तो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें यही सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा जैसा कि आपको पता है, एंड यहाँ 70% ही वेटेज दिया जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 70% वेटेज दिया जाएगा जो आपका CBT में जो मार्क्स आपने स्कोर किया है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या जो साइको टेस्ट है वो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा एंड उसका 30% वेटेज दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो कंप्यूटर बेस्ड, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो है इसे पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ही जब आप CBT को क्लियर करोगे उसके बाद ही आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अभी आपको साइको टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब आप एक बार CBT क्लियर कर लोगे, मतलब CBT का एग्जाम जब दे दोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब दे दोगे, उसके बाद आपको काफी टाइम मिल जाएगा इस साइको टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। एंड साइको टेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT है उसे क्लियर करना है, ओके। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 70% वेटेज भी रहेगा, तो अगर आप यहाँ CBT में ज्यादा स्कोर करते हो, ज्यादा बढ़िया मार्क्स स्कोर करते हो, तो अगर आपका CBAT में जो साइको टेस्ट उसमें अगर थोड़ा कम मार्क्स भी अगर होता है तो भी आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। इसलिए CBT की प्रिपरेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से आपको करना है। दोस्तों, बहुत लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, GK बहुत अच्छे से कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी है इसमें दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, मतलब
एक जो पार्ट वन है उसमें एप्टी रीजनिंग इंग्लिश जीके, एंड पार्ट टू में जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, कंप्यूटर रिलेशंस हुआ, डीएफसीसीएल एंड रेलवेज की हिस्ट्री हुई, तो ये सारे टॉपिक्स को भी आपको इक्वली प्रिपेयर करना होगा, बल्कि आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब इसे प्रिपेयर करने का क्या तरीका है? सबसे पहला तो यह है कि सिलेबस आप समझ लो पहले कि सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको बुक खरीदनी होगी, ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जिसमें जो मतलब इन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, इन दोनों के जो टॉपिक्स है उसी को कवर कर रहे हैं, तो वो बुक आपको खरीदनी होगी। या तो आप ये कर सकते हो जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं या बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना कोर्स वगैरह लॉन्च किया है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन वो मैंने देखा है कुछ कुछ के रेट्स कम है लेकिन कुछ कुछ के रेट्स बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपका बजट अगर उतना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप लो, अदरवाइज आप बुक ले सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको तो शेड्यूल बनाना होगा प्रॉपर कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेस्ट जब आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक्स के आपको नॉलेज है, तो आप जो भी जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड दूसरी बात यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, जब भी आप कोई भी टेस्ट दोगे तो आपको एकदम बिल्कुल ऐसा माहौल बनाना है कि जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम सेंटर में ही बैठे हो। ऐसा नहीं कि उठ के चले गए, वॉशरूम चले गए या पानी पीने चले गए, बीच में फोन आ गया तो बात कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 घंटे का, जैसा कि आपको पता है 2 घंटे का एग्जाम को, तो बिल्कुल आपको 2 घंटा आप शाम के टाइम में दो या मॉर्निंग के टाइम में दो, जब भी आपको टाइम मिले आप निकाल के 2 घंटे एकदम एग्जैक्ट बैठना है और जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है सॉल्व करो। उसके बाद उसके जो आंसर्स वगैरह रहेंगे आप चेक करो कि कौन कौन सा आपने सही किया, कौन सा गलत किया, फिर टॉपिक कॉपी में अपने टॉपिक को नोट करो कि किस किस टॉपिक को आपने सही से मतलब आपने ज्यादा स्कोर किया, सही स्कोर किया है, किसमें आपका स्कोर बहुत कम आया है, और जिन जिन टॉपिक्स में आपका अगर स्कोर कम आया है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं, DFCCIL की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है। जहां एक तरफ एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही है गवर्नमेंट की, वहां पे आपको अगर इतनी अच्छी PSU से, रेलवेज की तरफ से आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, ऑलरेडी यहाँ नौकरी नहीं लगती है यार, आपको पता है कोरोना के टाइम में तो क्या हाल हुई है। उसके बाद फिर अभी आगे भी बहुत कम चांसेस है कि कहीं जॉब्स वगैरह निकलेगी, वैकेंसीज उतनी निकलेगी, और यहाँ पे 200 से ज्यादा वैकेंसीज निकली है, मतलब टोटल 450 वैकेंसीज निकली हुई है। प्रिपरेशन अगर अच्छे से करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपको आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे कितने लोगों का डेथ हुआ, इवन बहुत सारे जो अलग अलग PSUs हैं वहां पे भी अगर कोई मर गया ना तो उनको उनके वहां पे ऐसा भी नहीं है कि कॉम्पेंसेट ग्राउंड जो होता है कि अगर कोई मर जाता है तो एम्प्लॉई तो उसके बदले किसी को, उसकी वाइफ को या बच्चे को जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ रेलवेज ही है, DFCCIL ही है जहां पे ऐसा होता है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके चाइल्ड को या उसके स्पाउस को जॉब मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद सैलरी वगैरह तो अच्छी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ सिलेक्शन चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर एक प्लानिंग बनाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। डेली का एक प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए कि आपको इन इन टॉपिक्स को स्टडी करना है और इतना टाइम देना है। जैसे कि जो भी नए टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमी, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशंस, ये सारे नए टॉपिक्स हैं, तो इसके लिए आपको डेली 1 से 2 घंटे आपको देना होगा। इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है, बहुत सारे टीचर्स भी है जो ऑनलाइन फ्री में सारे कंटेंट को अवेलेबल करवा देते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, वहां जाके देख सकते हो। इसके लिए जो बुक्स आती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में बुक्स अवेलेबल है, तो उस बुक को बाई कर सकते हो। मैंने देखा था एक कोई बुक थी 500 something रुपीज की, तो वो आप इजिली बाई कर सकते हो, उसमें सारा आपको एक जगह पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। रेदर देन कि आप यहाँ इधर उधर भटकते रहो, ऑनलाइन देखते रहो कौन सा डेटा है क्या है, अलग अलग लोग, और ऊपर से जो लोग वीडियो भी बनाते हैं वो इतना लंबा वीडियो बनाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा को, उतना टाइम ही नहीं किसी के पास उतना, तो
इसलिए अगर आप बुक ले लेते हो, बुक अगर बाई कर लेते हो ऑनलाइन तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद पास्ट ईयर का पेपर आपको देखना है, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दूसरे मेरे जो पहले का वीडियो है उसमें मैंने अवेल कराए हुए हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि जो भी एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी के पोस्ट के लिए जो पेपर्स थे उसका लेवल क्या था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो, और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी है जो टेस्ट सीरीज आपको डेली देना, और बिल्कुल मतलब शिद्दत से देना, ऐसा नहीं कि टाइम पास जैसा समझना है, टेस्ट सीरीज दो और उसके बाद अपने आप को इवेल्युएट करो कि कौन कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन से टॉपिक में आप बेटर हो, ताकि आप उस जो भी टॉपिक्स में आप वीक हो उसे आप प्रॉपरली और अच्छे से प्रिपेयर कर सको। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो मेनली क्राइटेरिया रहेगा आपका सिलेक्शन का, सबसे बड़ा क्राइटेरिया जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और एग्जीक्यूटिव के लिए 70% वेटेज रहेगा, तो आप प्रिपेयर बहुत अच्छे से करो। अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे, जैसे आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम ऊपर रहेगा, उसके कारण जब आपकी पोस्टिंग होगी कहीं भी तो पोस्टिंग में जो प्रेफरेंस पूछा जाता है, जो चॉइस पूछे जाते हैं, उसमें हो सकता है कि आपने जो चॉइस दिया, जो ऑप्शन दिया है उसे कंसिडर किया जाए, और अगर आप सीनियर लेवल मतलब अगर आप सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर रहोगे तो हो सकता है आपने जो ऑप्शन दिया है आपको मिल जाए। दोस्तों प्रिपरेशन की मैंने बेसिक स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।